हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति और मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जून मंथ का ग्लैमिगो बॉक्स। एक्चुअली ये मुझे बहुत दिन पहले आ गया था, लेकिन ये यहाँ पे आया था, विजयवाड़ा में आया था और मैं थी वहाँ पे हैदराबाद में, और मुझे मालूम भी नहीं था कि ये आया है करके, बिकॉज आई डिड नॉट इवन चेक माई ई मेल्स दैट टाइम, कि क्योंकि बहुत सारे ई मेल्स आ रहे थे तो मैं देख नहीं पाई, स्किप हो गया ये, तो इसलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो जून मंथ का बॉक्स ऐसा है, आजकल हर मंथ के बॉक्स जो है उसके ऊपर डिज़ाइन यही आ रहा है, लेकिन अंदर के आइटम्स जो है वो थोड़े डिफरेंट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ग्लैमिगो जो है इंडिया का नंबर वन सब्सक्रिप्शन बॉक्स है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये वाले प्रोडक्ट्स आपको किसी और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेंगे। तो आज का ये जो बॉक्स है इसका एक्चुअल कॉस्ट जो है 2300 है, लेकिन आपको ये इसके अंदर इतने कॉस्टली आइटम्स है वो सब आपको मिलने वाले हैं बस 399 रुपीज़ में। एंड वन मोर बोनस ऑफ दिस, जैसे कि मैंने पिछली बार के ग्लैमिगो बॉक्स को गिव अवे में दिया था, इस महीने भी जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ आपको वीडियो, मैं अभी भी आप लोग के लिए गिव अवे करने वाली हूँ। तो गिव अवे के रूल मैं आप लोगों से लास्ट में शेयर करूँगी। फॉलो जो करेगा, जो डिटो लिखेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जो मैंने बोला है और जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करेगा, उन्हीं को आता है। बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिखते कि हमने पार्टिसिपेट किया, बट रूल सारे फॉलो नहीं करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा एंड मैं उन लोगों को ये वाला ग्लैमिगो बॉक्स जो है जून में, जून वाला, उनको उनके घर पे मिल जाएगा। इससे पहले भी जो विनर थे उनका मैंने जो है अनाउंसमेंट कम्युनिटी टैब में किया था, और उनको जब रिसीव हो गया था तो मैंने उनको बोला था कि रिसीव होने के बाद भी उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करके आप मुझे भेजिएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि उनका डब्बा उनके पास पहुँच चुका है। अभी देर ना करते हुए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस बार के ग्लैमिगो बॉक्स में क्या क्या आइटम्स आए हैं। तो ये देखिए, ये कुछ आइटम्स हैं। तो पांच प्रोडक्ट हमेशा रहते हैं, मैक्सिमम चार से पांच प्रोडक्ट रहते ही रहते हैं। एंड सबसे पहले इसमें है ये दो कार्ड। सो इसमें जो कार्ड है उसमें लिखा है डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड्स टू यू, ट्राई एंड बाय ग्लैमिगो इंडियाज नंबर वन ब्यूटी बॉक्स। तो ये लिखा है, एंड इसके पीछे जो जो इसमें आइटम्स लिखे हैं उनका दाम क्या क्या है वो लिखा हुआ है। तो जब जब मैं आपको दिखाते रहूँगी वो आप देख सकते हैं। एंड इसमें एक बहुत ही सिफोरा का हाई एंड वाटरी प्रोडक्ट है, जिसके लिए आपको वन मंथ रेडियंस चैलेंज करना है, मतलब एक मंथ तक आप उसको यूज़ करके देखिए एंड उसके बाद आपको जो है डिफरेंस पक्का दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें सिफोरा वाटरी का रेडियंस फेस सीरम है, जिसका दाम है ये देखिए 1670 रुपीस। वाह, 1670 रुपीस का है, तो मैंने खोला भी नहीं है, लेट मी ओपन इट। तो ये इसमें सीरम एक दिया हुआ है। ये वाटर के प्रोडक्ट्स या सिफोरा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत हाई एंड होते हैं, एंड मैं भी ये वन मंथ चैलेंज लेने वाली हूँ, और आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेरे साथ चैलेंज में तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस किसी एक को तो ये गिवअवे में मिलने वाला है, बाकी लोग 399 में इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। लिंक सारे जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो ये सीरम जो है वाइट कलर में है, ये देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है, और बहुत जल्दी इंस्टेंटली जो है आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है। ये बाप रे, इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, एंड स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। देखिए इस पर मैंने लगाया और इस पर नहीं लगाया, तो यू कैन सी द डिफरेंस। एक आपको एकदम चमकता हुआ मॉइस्चराइज लग रहा है, और ये वाला जो है उससे कंपैरेटिवली कम लग रहा है। इस पर भी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, लेकिन इसमें और इसमें आपको डिफरेंस पता लग रहा हुआ है ना। सो दिस इज़ वन प्रोडक्ट जिसका चैलेंज आप एक मंथ के लिए ले सकते हैं, एंड सीरम्स आर रियली गुड फॉर योर स्किन, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये है पहला प्रोडक्ट जिसका कॉस्ट था 1670। उसके साथ में ये एक काल का आई शैडो आया है, आओ, जिसका कॉस्ट है 250 रुपीज़। तो या तो आपको ये आई शैडो आएगा काल का, या ऑर्गेनिक काजल 120 रुपीज़ का वो आ सकता है। तो जब आप ऑर्डर करेंगे तो ये भी आ सकता है या काजल भी आ सकता है। तो मेरे को आया है ये आई शैडो, तो ये देखिए एकदम शिमरी ब्राउन कलर में है, वाओ, बहुत ही पिगमेंटेड है। आपके सामने ही मैं अभी अभी लगा रही हूँ, मैंने इससे पहले यूज़ भी नहीं किया ये, वाओ,
बहुत ही पिगमेंटेड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो पार्टी लुक के लिए यही है, ग्लैम लुक बनाना है तो यही लगाएंगे अपन। मेरी नेल पेंट देखो, टाइम ही नहीं है बिल्कुल निकालने का ना लगाने का। सी वाओ, आई एम लविंग इट, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन, ये देखो जो लास्ट में बचा था वही लगाया है, लेकिन देखिए क्या शाइन कर रहा है। अपनी आंखों को तो ऐसे घुमाने से अच्छा हाथ को घुमा सकते, इसलिए हाथ को घुमा रही हूँ। सी अमेजिंग, सो दिस इज़ 250 रुपीज़। तो ये है, एंड उसके बाद विच इज़ वेरी मच नीडेड, सन ब्लॉक सनस्क्रीन, ये वाला। ये इसमें है SPF 60। अभी तक आपने SPF 50 वाला यूज़ किया होगा, तो ये SPF 60 है, तो ये और भी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देगा आपकी स्किन को। तो धूप में कभी भी जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं कि बस लगाया और निकल लिए। तो कभी भी आप जब लगाते हैं बाहर जाने वाले हैं, तो कम से कम 20 मिनट पहले लगा लें, ताकि वो अच्छी तरह जज्ब हो जाए और बाहर जाने के बाद अपना तड़ाका दिखा पाए कि मैं आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ करके। तो दिस इज़ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक की स्किन को सूट करेगा और दूसरे की स्किन को सूट नहीं करेगा, क्या बोल रही हूँ मैं। तो सबकी स्किन को ये बहुत अच्छी तरह सूट करेगा। प्लस इसमें पीए के बाद जो है 3+ वाला हमेशा आपको लेना चाहिए, वो मैक्सिमम आपको प्रोटेक्शन देता है। तो 3+ वाला है UVA एंड UVB, मैट फिनिश, वाटर रेसिस्टेंट विद सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स, ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी। तो ये वाला है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देती हूँ वो कंसिस्टेंसी। आज बहुत टंग ट्विस्ट हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने इधर लिया, ये देखिए गायब। स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए हो चुका है। एंड ये आपके स्किन को एकदम जैसे ड्राई फिनिश से देते हैं ना, वैसे ड्राई लगेगा, ऐसा नहीं है कि चिपकू लगेगा, तो अच्छी खासी मैट फिनिश दे देगा आपके स्किन पे। तो दिस इज़ वन, एंड दिस इज़ अनदर आइटम विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर। सो दिस इज़ पैराशूट एडवांस्ड कोकोनट क्रीम ऑयल। तो ये क्रीम ऑयल है, आपको नहाने से पहले इसको यूज़ करना है, एंड नहाने से पहले आधे घंटे पहले आप लगा के थोड़ा अच्छी तरह मसाज करके उसके बाद नहाएंगे, तो आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा नरिश, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे। एंड खुशबू काफ़ी अच्छी है इसकी, तो आपको अपने बालों पे लगाना है, बट मैं आपको दिखाने के लिए ओनली यहाँ पे दिखा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट, बहुत ही लूज कंसिस्टेंसी में, तेल का थोड़ा थिक फॉर्म समझ लीजिए आप इसको। तो आपको इसको जो है, ये देखिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी है, तो आपको इसको अपने स्कैल्प से लेके नीचे तक आप लगा सकते हैं। आप स्कैल्प से शुरू कीजिए और उसको मसाज करते करते लास्ट में जो है पूरे बालों पे आप लगा सकते हैं। ऐसे कुछ जैसे कंडीशनर्स होते हैं आपको बालों पे नहीं लगाने होते, बट आप इसको पैराशूट का है, आप इसको हर कोने कोने में लगा सकते हैं बालों के, एंड उसके बाद आपके सुनहरे बाल आप देख पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड इसका कॉस्ट कितना है, इट इज़ 50 रुपीज़, क्योंकि ये सैम्पल प्रोडक्ट है इसलिए 50 रुपीज़ है। एंड जो सनस्क्रीन है उसका कॉस्ट है 335 रुपीज़। एंड हमेशा आपको, आपने नोटिस किया होगा कि ग्लैमिगो में एक सैम्पल कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, तो ये एक पैंटी लाइनर दिया है ग्लैमिगो वालों ने, एलोवेरा पैंटी लाइनर। तो सैम्पल है ये, एंड पैंटी लाइनर को आप मल्टीपर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो अगर आप कोई टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं तो ऊपर को दिखता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पैंटी लाइनर्स को आधा आधा काट के आप अपनी शर्ट अंडर आर्म्स में जहाँ टच होता है उस एरिया में चिपका सकते हैं। आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अदरवाइज़ तो आपको पैंटी लाइनर का यूज़ मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डिटेल में आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँगी। तो यही है इसके अंदर 5 प्रोडक्ट। एंड अब आती है बारी गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की। ये नंबर 1, फॉलो मी एंड ग्लैमिगो ऑन इंस्टाग्राम। उसके बाद मैं इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड 5वां क्या, ग्लैमिगो के बारे में 3 बातें बतानी है जो आपको अच्छी लगती है, एंड पक्का 3 होनी चाहिए। वैसे तो बहुत है एडवांटेजेस इसके, बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं, 3 पक्का जो है कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।
तब हो पाएगा आपका ये ग्लैमिगो बॉक्स। तो आई होप आपको इस महीने का ग्लैमिगो बॉक्स अच्छा लगा होगा, प्लस गिवे में पार्टिसिपेट करना, तो किसको अच्छा नहीं लगता है जीतना, तो पार्टिसिपेट भी ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं इसका विनर जो है 24 आवर्स के अंदर अनाउंस कर दूँगी, तो रेडी हो जाइए पार्टिसिपेट करने के लिए। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।